नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और बिल्कुल तैयारी रखें हर चीज़ की। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CNC प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको बोलना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज की, ये क्या है कि रिक्वेस्ट के ऊपर है। मुझे कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। कई तरह के टॉपिक उन्होंने मुझे दिए हैं जिस पे मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो भी हैं, अपना जहाँ पर भी हैं, अपना ख्याल रखें और घर वालों का ख्याल रखें और कोरोना पेंडेमिक से आप बचे रहें। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो इसके अंदर फ़िलहाल हम इस वीडियो पे बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम टॉप 5 मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है वो होता है ड्राइंग के अंदर। देखिए दोस्तों, CNC प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट पे और CNC प्रोग्रामिंग एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी गैप आ जाता है, काफ़ी मेजर गैप आ जाता है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई है। यहाँ पे डिफरेंस होता है ड्राइंग के लिए। अब जैसे आप कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मली आपको ड्राइंग बेस पे नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट पे जो होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, और क्या है कि पर्टिकुलरली जो पीस होते हैं हमारे, ओनली उन्हीं पीस पे करवाया जाता है। तो उससे क्या इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। अब बात होती है टूल को चलाना, तो टूल तो कोऑर्डिनेट बेस पे चल सकता है, बट उस टूल को कहाँ कहाँ पे हमको शिफ्ट करना है, किस तरह से हमें किस पार्ट को ओके बनाना है, ओके कंपोनेंट बनाना है, तो उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ ऑफसेट में क्या चेंजेस करने होते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है दोस्तों। हालांकि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनमें से जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ की जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है ड्राइंग का। अलग अलग तरह की वहाँ पे ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, दूसरी बात हम करते हैं इसके अंदर, दूसरी बात है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। देखिए, अब कंपोनेंट कैसे, अब जैसे मान लो पर्टिकुलरली अगर मान लो मैं भी किसी को प्रोग्रामिंग वगैरह कराता हूँ, तो ओनली क्या है कि मैं साइज वगैरह जो लूँगा वो नॉर्मली मैं 80x70 का लूँगा, 80x70 का लूँगा, या मैं 30x60 का लूँगा कुछ करके। तो एक क्या होगा, वो ओनली मैं डाया और लेंथ को कंसिडर करके चल रहा हूँ। समझ रहे हो ना दोस्तों, डाया और लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको कंपोनेंट दिया जाता है, कंपोनेंट के साथ में ड्राइंग होती है, और ऐसा भी होता है कि ड्राइंग ना भी हो और हमको कंपोनेंट को मेज़र करके बनाना हो। तो फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह करने हैं, वो टूल को किस तरह से कहाँ पे उसको आगे चलाना है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर। क्योंकि क्या है कि कंपोनेंट जो हम बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो रिजेक्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि पार्ट रिजेक्ट ना हो, जबकि इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें अगर रिजेक्ट हो भी जाते हैं डाय सिंपली, तो वो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, वो बस नॉर्मली आपको सिखाने के हिसाब से होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट उसी चीज़ को आप अगर इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना जो एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, उसको ज़रूर आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो पाओगे। तो ये मेरी दूसरी चीज़ थी कंपोनेंट के ऊपर। तीसरी चीज़ दोस्तों, ये होता है कटिंग पैरामीटर्स। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया शुरू में, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो प्रोग्रामिंग है CNC प्रोग्रामिंग, वो कितनी डिफरेंट होती है, ड्राइंग अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ पे किस टूल को कब चलाना है, पहले रफिंग चलाना है, फिनिशिंग चलाना है, उसके बाद किस तरह से 0.2 की इंसर्ट लोगे, या आप 0.8 की इंसर्ट लोगे, 0.4 की इंसर्ट लोगे। अब उसके हिसाब से आप कटिंग पैरामीटर्स क्या यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अब जैसे नॉर्मली अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो फीड 0.1, फीड 0.2, वो फीड 0.1, 0.2 क्या है, उसका भी कोई रीज़न होता है। ठीक है, जो रफनेस से रिलेटेड होता है, तो वो चीज़ हमको देखनी होती है दोस्तों। तो इसी हिसाब से अगर आप हर कहीं पे भी अगर आप पॉइंट टू फीड देते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हर जगह किस सरफेस पे किस तरह की हमको फीड देनी है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर मैं RPM की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट में तो RPM आप 5000 ले लो, 6000 ले लो, 3000 ले लो,
ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमको इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग पार्ट बनाने होते हैं, ऑपरेशंस भी अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आरपीएम भी कम देते हैं। चौथी चीज़ यहाँ पे है, प्रोग्राम टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कहीं पे भी एक चिमटी तक भी नहीं लगेंगे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम के, इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि आपको आइडिया हो जाता है कि टूल किस तरह से चलेगा, ऑपरेशंस कौन कौन से होने, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी कंपोनेंट को, आप किसी पार्ट को डेवलप कर सको या किसी पार्ट में आप कोई अगर फॉल्ट हो रहा तो उसको ओके कर सको। उसके अंदर तो फ्रेंड्स आपको एक्सपोजर चाहिएगा ही चाहिएगा इसके लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये जो चीज़ मैंने बताया ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है इंस्टीट्यूट से। हालांकि जो कोड वगैरह होते हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है, कौन कौन से कोड होते हैं, क्या होता है सारा कुछ, आप जो है टर्निंग फेसिंग वगैरह करना सारा कुछ सीख जाते हो, ड्रिलिंग कैसे करते हैं, साइकिलें आपको सारी याद हो जाती है, तो सारी चीज़ वही है। बस एक मौका चाहिए होता है, वो क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हमारे बन रहे, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ होती है दोस्तों। तो इसीलिए क्या है कि इंस्टीट्यूट की जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग के नहीं लगती है। बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं तो मुझे ला ला के बताते हैं प्रोग्राम, मेरे से भी प्रोग्राम सीखते, सर मुझे बाहर का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, वो बात अलग है कि उसके बाद में उनको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ अगर एक बार में बताते तो समझ में नहीं आता है। पाँचवीं चीज़ और सबसे मेन चीज़ इनमें से वो है ऑफसेट मेथड्स, प्रैक्टिकली सेटिंग्स आर डिफरेंट। ऑफसेट जो होंगे वो टोटली डिफरेंट है, प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल जो है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स, टोटली डिफरेंट है प्रैक्टिकल। सेटिंग की बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से हमको सेटिंग लगानी होगी, कैसे हम आईडी को क्लेम करेंगे, कैसे हम ओडी को क्लेम करेंगे, क्लेम डीक्लेम का क्या प्रोसेस होना चाहिए आईडी और ओडी को लेकर, वो चीज़। वहीं अगर कंपोनेंट हमारा बड़ा या छोटा है तो उसके हिसाब से भी हमको सेटिंग करनी पड़ती है। वहीं पे कुछ कुछ जगह पे सेटिंग जब हम करते हैं तो हमको डायलिंग का यूज़ भी करना पड़ता है, तो डायलिंग के हिसाब से भी हम सेट करते हैं ताकि जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन ना आ पाए किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ इसके अंदर कंसीडर होती है। ऑफसेट का इसके अंदर क्या रोल है दोस्तों, आपने प्रोग्राम बना लिया चलो ठीक है, नॉर्मली इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी होगा जैसे रेडियस वेडियस टेपर वेपर सब सीख जाते हो आप, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको कट लेना, आपको 40 एम तक काटना है, आपने G01 में करा और G01 में करके Z-40 करके आपने फीड पॉइंट 1.2 की दे दी, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोग्राम बनते हैं उनमें प्रोग्राम से रिलेटेड करके ऑफसेट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ये चेंजेस क्यों करते हैं, ये करने पड़ते हैं पार्ट को ओके करने के लिए, तो बार बार स्टॉप करके वो चीज़ देखना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें दोस्तों को और सभी को बताएं, और जल्द से जल्द कोरोना ठीक सारी चीज़ें, मैं आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। अपना ध्यान रखें, घर वालों को ध्यान रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।